Hello, good morning. So happy that you all joined today. Good morning, Balchandra sir. Good morning, Ronit sir. Good morning, Hemant sir. How are you all? Am I audible? Yes, yes, you are audible. Good morning. Good morning. Good morning, sir. So, do you all invest? Yes, no. Can you please put it in the chat box? If you guys invest, Hemant sir, Ronit sir, Balchandra sir, Balchandra sir, investors, Ronit sir, investors. Good morning, Hemant sir. Amazing. So there are so many mistakes that we make knowingly or unknowingly while investing. ठीक है, तो उसके बारे में आज बात करेंगे. Without further ado, let's get into the topic. Just a second. So it is never too late to rectify your mistake. मतलब आज सिर्फ मिस्टेक्स के बारे में बात नहीं करेंगे. वी विल मेक श्योर कि आज के बाद वो सेम मिस्टेक्स हम लोग रिपीट ना करें. राइट, सो सब लोग ने आपने सुना रहेगा, आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे देखोगे सब लोग बोलेंगे आपको ये करो, वो करो, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए. बट टूडे वी विल टॉक अबाउट वॉट वी शुड नॉट डू. ठीक है, बाकी सब करिए, मतलब पर ये जो चीज आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो तो पक्का इज अ बिग नो, हमें नहीं करना है. ओके, सो बिगेस्ट मिस्टेक, नॉट इन्वेस्टिंग. आई एम ग्लैड कि आप लोग वो मिस्टेक नहीं कर रहे हो. बालचंद्र सर इन्वेस्ट करते हो, रोनित सर इन्वेस्ट करते हो, हेमंत सर आप इन्वेस्ट करते हो. देन वी हैव कुणाल सर. डू यू इन्वेस्ट कुणाल सर? Presently not. Okay, Hemant sir. Kunal sir, yes. Okay, amazing. So, सबसे बड़ा mistake है कि invest नहीं करने का जो perspective होता है लोगों का. अभी मैं बताती हूँ आपको कि क्यों ये सबसे बड़ा mistake है. Reason behind that कि आपने देखा रहेगा कि चीजें महंगी होती है. राइट, जो चीज 100 रुपए की 2 साल पहले मिल रही थी वो सेम चीज 100 रुपए की अभी नहीं मिल रही है अपन को, सेम क्वांटिटी में नहीं मिल रही है. इन्फ्लेशन इज व्हाट वी कॉल इट. सब चीजें महंगी होती है. तो सेम वे अगर सपोज आपने किसी एक सपोज आपको कुछ चीज लेनी है, उसके लिए आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है अभी, तो वो आपने कहीं पे सोचा कि धीरे धीरे मैं अक्यूमुलेट करूंगा और फिर 2 साल के बाद वो चीज आप लेने जाते हो अगर, तो वो 1 लाख में शायद ना भी मिला आपको, वो चीज का वैल्यू 1,20,000 भी हो गया हो, पर आपने तो अक्यूमुलेट किया 1 लाख बराबर, तो वो 20,000 तो आपका बना नहीं. तो चीजें जब महंगी हो रही तो अपना पैसा भी ग्रो होना चाहिए. राइट, इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए अपन को, महंगाई को बीट करना चाहिए, तो ही हम लोग रिच में से रिचर बनेंगे. करेक्ट, सो दैट इज व्हाई वी शुड इन्वेस्ट. सेविंग इज गुड, सेविंग करना चाहिए, पर एक्सेसिव सेविंग नहीं करना चाहिए. इन्वेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट जब ये चीजें महंगी हो रही है तो अपना पैसा भी साथ में ग्रो हो रहा है. सो जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ बैंक में पैसा रखना है तो वो पैसा वैसे का वैसे ही रहने वाला है, इट इज नॉट गोइंग टू ग्रो. For your money to grow, we should invest. So, सबसे बड़ा मिस्टेक है कि लोगों का पर्सपेक्टिव ये जो है कि यार नहीं करना चाहिए, इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. सो इट इज अ बिग नो, बिगेस्ट मिस्टेक. पहले तो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहिए. अभी मैंने कहा कि इन्वेस्टिंग करना चाहिए, पर ऐसे ही नहीं करना है. इन्वेस्टिंग विदाउट अ गोल इज ऑल्सो अ बिग मिस्टेक. वी शुड हैव, अभी हम लोग को लाइफ में कितने सारे गोल होते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है हमको, रिटायरमेंट अपना शांति वाला चाहिए, पीसफुल चाहिए, वी नीड अ गुड कॉर्पस फॉर इट. देन आपका सपोज चाइल्ड है आपके पास, तो चाइल्ड का एजुकेशन, कि उसका एजुकेशन उसको बेस्ट स्कूल कॉलेज में जाने मिले. देन हम लोग को कोई वेकेशन प्लान करना है कि यार मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है एट दिस पर्टिकुलर एज. वी हैव सो मेनी लाइफ गोल्स. राइट, सो उसके साथ अगर हमारा फाइनेंशियल प्लान मैच नहीं कर रहा है तो वो लाइफ गोल्स कैसे अचीव करेंगे? सो इन्वेस्टिंग विदाउट अ गोल इज टोटली अ मिस्टेक. व्हाई? जब भी अगर आप इन्वेस्ट गोल के साथ करते हो, गोल सोच के करते हो, सो इवन इफ वो जो प्रोसेस होती है, इवन इफ आपको कुछ गोल्स आपके पता नहीं है, वो भी रियलाइज हो गए वो प्रोसेस में, जब भी आप गोल के साथ इन्वेस्ट करने का सोचते हो. जैसे कि अभी सपोज आपने सोचा है कि यार मेरे को मेरे मैरिज के लिए प्लान करना है, वही प्रोसेस में आपको दिमाग में आएगा कि नहीं यार मेरे को वो भी करना था, ये भी करना था, तो वो हिसाब से आपका
प्रॉपर एवेन्यूज पता चलेगा आपको, आपको रिस्क कितना लेना है वो पता चलेगा, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है वो पता चलेगा, वो जितने भी क्वेश्चन है उस पर क्लैरिटी आएगी व्हेन यू इन्वेस्ट विथ अ गोल. सो योर फाइनेंशियल प्लान इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू अचीव योर लाइफ गोल्स, करेक्ट. सो कितने भी आपके जितने भी लाइफ गोल्स है अगर उसको इजिली अचीव करना है तो आपका फाइनेंशियल प्लान प्रॉपरली अलाइंड होना चाहिए. देन अभी ये जो लाइफ गोल्स अचीव करने के लिए बीच में जो डिस्ट्रैक्शन आते हैं, जो अपने इमोशंस हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, सकमिंग टू द फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, आजकल तो ये सबसे ज्यादा हो रहा है. कुछ मतलब कि अपने लाइफ गोल्स कुछ है पर्टिकुलर, उसके लिए एक कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, हम लोगों ने सब कुछ प्लान वगैरह बनाया है, बट जस्ट बिकॉज ये ट्रेंडी चीजें जो चल रही है उसमें आके फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में हम लोग वहां पे इन्वेस्ट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल हेमंत सावंत सिंह, बट वी विल स्टार्ट सून, अमेजिंग. सो वन सेकेंड, हाँ, सकमिंग टू द फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो ये जो ट्रेंडी चीजें चल रही है उसमें हम लोग काफी टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं. जैसे कि आजकल क्रिप्टो करेंसी के बारे में इतना ट्रेंड आ चुका है, इतना लोग मतलब इतना फेमस हो गया है, तो किसी को पता भी नहीं है ब्लॉकचेन क्या है क्या नहीं है, बट जस्ट बिकॉज वो भाग रहा है, बिटकॉइन भाग रहा है, सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो काफी लोग ऐसे ही इन्वेस्ट कर दिए विदाउट हैविंग नॉलेज अबाउट इट, राइट. सो इवन इन शेयर मार्केट कुछ शेयर्स अगर भाग रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट नहीं किया तो मेरा मिस हो जाएगा, ऐसा करके हम लोग हायर रेट्स पे बाई कर लेते हैं, फिर वो डाउन आ जाता है तो फियर एंड स्ट्रेस के चक्कर में उसको बेच देते हैं, फिर वापस वो ऊपर चला जाता है तो फिर नसीब को ऐसे बोलते यार क्या नसीब है मेरे. तो ये सब इमोशंस किसके वजह से बीच में आते हैं, उसके दो जो मेन फैक्टर है, दैट इज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, एंड सेकेंड इज ग्रीड, लालच. लालच ही है सबसे बड़ी बुरी भला, वेरी ट्रू, बट लालच की वजह से हम लोग बोलते हैं ना एक्सपेक्टेशन ऑफ एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न्स, वो 25 दिन में पैसा डबल वाली, टू गुड टू बी ट्रू, टू लाइक म्यूजिक टू इयर्स वाली स्कीम्स जो होती है उसमें फंस जाते हैं, लाइक वो फ्रॉड्स को कौन बढ़ावा दे रहा है ये सब चीजों को, जस्ट बिकॉज ये सब जो स्कीम्स है उसमें लालच के चक्कर में लोग फंसते हैं, इसके लिए ये सब बढ़ रहा है, राइट. देन बिलीविंग इन टिप्स, लोग मतलब किसी ने बोला कि यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये शेयर तो भागेगा ही, ये तो होगा ही, ऐसे करके टिप्स में बिलीव कर देते हैं, जस्ट बिकॉज बिलीविंग इन टिप्स, सो टिप्स में बिलीव करके हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं. देन लालच में आके कुछ रूमर्स और फेक न्यूज पे भी आंख बंद करके विश्वास कर देते हैं. सो ये सब लालच बीच में आती है, फोमो बीच में आता है, जो अपने गोल्स से अपन को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और कहीं और इन्वेस्ट करवा देता है, राइट. सो बिटवीन पेसिमिस्टिक एंड ओवर ऑप्टिमिस्टिक, चूज टू बी रियलिस्टिक, देर आर सो मैनी गुड इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज आउट देयर, क्यों फिर ऐसी कोई सो गुड टू बी ट्रू स्कीम्स में जाना या फिर टिप्स पे बिलीव करना, देर आर डिसेंट इन्वेस्टमेंट, वहां पे हम लोग इन्वेस्ट करके अच्छा खासा डिसेंट रिटर्न कमा सकते हैं, राइट. सो ग्रीड, FOMO, your emotions, stress, वो सब बीच में नहीं आना चाहिए while investing. Then emotional investing, meaning के काफी time हम लोग पता है वो अटैचमेंट में जो एंसेस्टर्स करता है उसमें वही हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टीज हो गई, लैंड हो गया, ज्वेलरी हो गया, तो उसमें एक्सेसिव इन्वेस्ट कर देते हैं, इवन इफ आर गोल इज समथिंग एल्स, बट स्टिल जस्ट बिकॉज आर एंसेस्टर्स ने ऐसा किया है या फिर वी आर सो अटैच्ड विद दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, वी कीप ऑन डूइंग दैट, सो दैट इज ऑल्सो बिग नो. हमें हमारे गोल्स को अचीव करना है, सो अकॉर्डिंगली वी नीड टू प्लान आवर इन्वेस्टमेंट, राइट. Then going beyond your risk appetite. Abhi, there are no free lunches as such in investment or in life, right? तो कुछ भी आप returns कहीं से भी मिल रहे हो तो साथ में आप कुछ तो risk है जो आप ले रहे हो. तो जस्ट बिकॉज हायर रिटर्न्स मिल रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिस्क एपेटाइट इतना है उससे आप इधर पहुंच जाओ, जस्ट बिकॉज रिटर्न्स हायर है. इन्वेस्टमेंट के टाइम पे रिटर्न्स तो देखने ही है, साथ में ऑलवेज इन बैक ऑफ योर माइंड आपका रिस्क एपेटाइट होना चाहिए. इफ आप रिस्क एपेटाइट से ज्यादा निकल के अगर कोई ज्यादा रिटर्न्स वाली और ज्यादा रिस्कियर स्कीम या कहीं पे आप इन्वेस्ट करते हो इन्वेस्टमेंट एवेन्यू में, तो शायद आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो सकता है. वो जो इमोशंस हमने जितने की बात की, स्ट्रेस, फियर, वो सब तभी आता है जब भी हम लोग का जो रिस्क एपेटाइट है उससे ज्यादा हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तभी मिस्टेक्स होने के ज्यादा चांसेस हो जाता है. सो ऑलवेज कीप
इन योर माइंड योर रिस्क एपेटाइट, कभी भी उसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए. अगर हमारा रिस्क एपेटाइट के बालचंद्र इज सेइंग इट इज डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड इन्वेस्टमेंट, इट इज नोन ओनली आफ्टर मनी इज लॉस्ट, सो इज इन ट्रबल आयरोनिकली. या ट्रू, बट थोड़ा सा अगर हम लोग स्टडी करें और अच्छा ओके इज लॉस्ट और इज इन ट्रबल आयरोनिकली या ट्रू, बट थोड़ा सा अगर स्टडी करे या फिर अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्ट करे तो तेरा चांसेस के हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं वो चीज को. काफी टाइम हम लोग को हमारी स्टडी भी रॉन्ग हो सकती है, हम लोग को लग सकता है कि ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अच्छा है एंड फिर सब कुछ स्टडी सब कुछ करके ऐसा लगता है कि नहीं ये बराबर है एंड देन इट टर्न्स आउट टू बी बैड, हो सकता है. बट हम लोग स्टडी करके वी कैन ट्राई आर बेस्ट टू मिनिमाइज इट, राइट? Yes, Balchandra sir. Yes, amazing. So, going beyond your risk appetite. So, आपका risk जो लेने की क्षमता है basically, वो आपको हमेशा आपके back of your mind रखनी है. Returns के पीछे भाग के risk बड़ा कर देना is never a good thing. Then ये आपने तो 1000 बार सुना रहेगा, but it is very true. Putting all your eggs in one basket. कभी भी कोई भी एक investment avenue पे नहीं पूरा पैसा डाल देना चाहिए. What if it doesn't work out? ठीक है, जो अभी बालचंद्र सर ने ही बोला कि हम लोग invest कर देते हैं और फिर पता चलता है कि it is not good. But और मैंने भी वही चीज पगरी किया कि there are some times कि हम लोग ने सब study किया है, सब कुछ किया है, we are sure also कि ये चीज बढ़िया है, यहाँ पर रिटर्न्स हो गए, पर वी आर ऑल्सो ह्यूमंस, हमारे से मिस्टेक हो सकती है कि हमने जो एनालिसिस किया है इट टर्न्स आउट टू बी रॉन्ग एंड वो इन्वेस्टमेंट नहीं वर्क करता है. इसीलिए रिस्क मिनिमाइज करने के लिए वी हैव डाइवर्सिफिकेशन. भले कितना भी आप श्योर हो कि ये इन्वेस्टमेंट एवेन्यू अच्छा है, ये शेयर तो ऊपर जाएगा ही, ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट मेरे को पैसे बना के देगा ही, बट नेवर पुट all your money in that particular one thing. उसको diversify करना चाहिए. Like थोड़ा mutual fund में करो, थोड़ा gold में करो, थोड़ा property में करो, थोड़ा shares में करो, अलग अलग जगह पे जब invest करते हो, even if एक चीज workout नहीं करेगी शायद बाकी की चार तो आपको बचा लेगी. There will be a balance. So for example एक छोटी story बोलू तो एक person है, उसको एक shop से दूसरे shop पे eggs deliver करना है, ठीक है? तो वो एक बास्केट में उसके पास इतने सारे एग्स है, बास्केट इतना है, उसने इतने सारे एग्स एक बास्केट में भर के जा रहा है, वो भरने के लिए बैलेंस करके धीरे धीरे चल के जा रहा है एंड बीच में एक पत्थर आया, टकरा गया, गिर गया, सारे अंडे टूट गए. इसकी जगह पे उसने अगर 2-3 बास्केट लिया रहता या फिर 2-2 करके बास्केट लेके एक शॉप से दूसरी शॉप पे डिलीवर करने गया रहता या फिर 2-3 बास्केट लेके गया रहता तो शायद एक बास्केट के अंडे फूटते पर बाकी 2 बच जाते, राइट? सेम वे इन्वेस्टमेंट में अगर हमारा एनालिसिस रॉन्ग होता है, अगर एक इन्वेस्टमेंट वर्कआउट नहीं करती है तो एटलीस्ट वो इन्वेस्टमेंट भले डूबे पर बाकी की 3-4 इन्वेस्टमेंट आपको बचा लेगी, राइट? देयर विल बी अ बैलेंस, देयर विल बी समथिंग दैट विल मेक मनी इफ वन पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट इज नॉट मेकिंग मनी फॉर यू. सो रिस्क मैनेजमेंट इज इक्वल्स टू डाइवर्सिफिकेशन. आपका जो रिस्क है उसको उस हिसाब से मैनेज करो, उस हिसाब से डाइवर्सिफाई करो अलग अलग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज पे, इवन इफ यू आर वेरी डैम श्योर कि एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट अपन को कमा के देगी. देन अभी हम लोग ने अभी तक जितनी भी बात की वो सब एक जनरल मिस्टेक्स थी हर एक इन्वेस्टमेंट में जो लोग करते हैं. Now we will talk specifically about one investment avenues कि उसमें क्या mistake होती है. जैसे कि mutual fund. Mutual fund में सबसे बड़ी mistake है keeping short term view. काफी लोग even clients का हमने देखा है कि mutual fund में starting में स्पेशली ये जो last year था कि जब भी market fall किया था फिर recover किया तो लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया mutual fund में, तो वो they were like redeem कर देते, returns मिल रहा है, निकल जाते हैं. So अभी भले रिटर्न्स मिल रहे हैं पर म्यूचुअल फंड का खासियत ही ये है कि इट कवर्स दी होल साइकिल. इसके जो नॉर्मल फीचर्स हमको पता है जैसे कि आपको पता रहेगा कि फंड मैनेजर करता है आपका पैसा मैनेज, देन छोटी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, देन ये सब जो छोटे छोटे फीचर्स है, डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, अलग अलग असेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है, ये सब म्यूचुअल फंड के फीचर सबको पता है. बट देर इज वन मोर अमेजिंग फीचर अबाउट म्यूचुअल फंड इज दैट रूपी कॉस्ट एवरेजिंग. वो जो पूरी साइकिल जो है वो कवर करता है बुल मार्केट से लेके बेयर मार्केट तक की. म्यूचुअल फंड
बुल मार्केट बेयर मार्केट पूरा साइकिल कवर करता है। तो जब भी मार्केट टॉप पे है, अभी म्यूचुअल फंड में जैसे शेयर प्राइस होती है वैसे एनएवी होता है म्यूचुअल फंड में, तो मार्केट जब भी एकदम टॉप पे है तभी वो क्या करेगा, एनएवी के प्राइसेस हाई रहेंगे तो आपकी यूनिट्स मतलब जो क्वांटिटी बाय होती है वो कम आती है। फिर जब भी मार्केट डाउन आता है या फिर जो भी अंडरलाइंग प्रोडक्ट है आपके, आप जिस जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका, वो जब भी डाउन आता है उसकी वैल्यू कम होती है तो ज्यादा यूनिट्स बाई होते हैं, राइट। सो ये जो पूरा साइकिल कवर होता है और उसके बाद आपको जो रिटर्न मिलता है, दैट इज वाई वन शुड इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, बिकॉज इट कवर्स द होल साइकिल, राइट। सो कीपिंग शॉर्ट टर्म व्यू फॉर म्यूचुअल फंड इज अ बिग नो, राइट। देन एफडी, अभी आपने सुना रहेगा कि सब लोग अगर अभी तो ट्रेंड चल रहा है, ऑल इन्फ्लुएंसर्स जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है जितने मैंने सुने हैं, दो तीन लोगों को मैंने खुद ने इंस्टा पे सुना है बोलते हुए कि यार एफडी पे इन्वेस्ट मत करो, नेगेटिव रिटर्न्स देता है। बट व्हाट वी से कि इन्वेस्ट करो एफडी में, बट इन्वेस्टिंग एक्सेसिव मनी देन रिक्वायर्ड इन एफडी इज नॉट, इज अ मिस्टेक। सो वाई वी शुड इन्वेस्ट इन एफडी, बिकॉज लिक्विडिटी रहेगा आपके पास, या इमरजेंसी मनी जो बोलते हैं, इमरजेंसी मनी एज इन सपोज कि आप बिजनेस कर रहे हो या सैलरी बेसिस पे हो, जो भी है आपका, आपके जो 3-4 महीने के एक्सपेंसेस है वो मिला के आपके पास एक बैकअप होना चाहिए इन केस फॉर व्हाट्स एवर रीजन आपका, आपकी अर्निंग स्टॉप हो जाती है तो भी आप इजीली सर्वाइव कर सको। सो दैट इज व्हाट इमरजेंसी मनी इज, राइट। सो वो जो पैसा है, वो पैसा आप अगर फिक्स डिपॉजिट में रख रहे हो तो बराबर है, पर उससे ज्यादा नहीं रखना चाहिए, बिकॉज सबको पता है कि एफडी में लास्ट में नेगेटिव रिटर्न ही मिलते हैं टैक्स वो सब निकाल के, राइट। इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता है, तो इन्फ्लेशन के कंपैरिजन में एफडी में इतना नहीं बनता है, पर लिक्विडिटी के लिए जरूरी है, आपका इमरजेंसी मनी पार्क करने के लिए एफडी में भी इन्वेस्ट करना जरूरी है, तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो का पार्ट एफडी में होना चाहिए। सो इन्वेस्टिंग एक्सेसिव मनी देन रिक्वायर्ड इन एफडी इज अ मिस्टेक, बट नॉट इन्वेस्टिंग इन एफडी इज ऑल्सो अ मिस्टेक। करो पर थोड़ा करो, जितना जरूरी है उतना करो। देन शेयर मार्केट, जो भी हम लोग ने ऊपर बात की वो सारी मिस्टेक शेयर मार्केट में लोग करते ही है। एक ही शेयर पता चल गया, मतलब एकदम इतनी कॉन्फिडेंस के साथ एक ही शेयर में अगर पैसे डाल देते हैं, फिर वो पैसा सपोज वो शेयर वर्कआउट नहीं करता, एक ही शेयर में पैसे डालना, अगर इवन नॉट इन ओनली शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, कौन सी भी जगह पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वो एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एवेन्यू के अंदर भी हम लोग डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो जैसे आपने सपोज थोड़ा म्यूचुअल फंड में डाला, थोड़ा शेयर मार्केट में डाला, तो शेयर मार्केट में भी अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करो, सिर्फ एक शेयर्स में पूरा पैसा नहीं डालना चाहिए। देन फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में लोग इन्वेस्ट कर देते, कोई एक पर्टिकुलर शेयर भाग रहा है तो उसमें उसको बाय कर लेंगे, फिर टॉप पे बाय कर लेंगे कि यार ये चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो वो डर के मारे इन्वेस्ट कर देते हैं, पैसे डाल देते हैं, और फिर वो नीचे आता है तो यार ये गलत कर दिया, कुछ गलती कर दी, वैसे करके बेच देते, तो वो सब इमोशंस जंबल होने लगते हैं, राइट। सो शेयर मार्केट में ये सब मिस्टेक करते लोग। देन टिप्स पे बिलीव करते हैं, टिप्स तो शेयर्स में इन्वेस्ट करने की इतनी घूम रही है, मतलब सारे एक्सपर्ट इसमें, ऐसा लगता है लाइक समवन हु डजंट इवन नो एनीथिंग माइट टेल यू कि इसमें इन्वेस्ट करो, बिकॉज उसके किसी ने तो उसको बोला था, राइट। सो टिप्स इतनी फैल रही है, सो टिप्स पे बिलीव मत करो। देन इंश्योरेंस, सो आपने सुना रहेगा डोंट ट्रीट इट एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, बट आई वुड से ट्रीट इट एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बट नॉट फॉर रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट ऑन लाइफ, आपकी लाइफ की इन्वेस्टमेंट है ये। लाइक रिटर्न्स के अभी काफी क्लाइंट्स को मैंने सुना है कि हम लोग ने बता दिया कि चलो ये इंश्योरेंस में ऐसा ऐसा ये चीज है ये है, फिर वो लास्ट में पूछेगा अच्छा रिटर्न्स कितना बनेगा मेरा, रिटर्न से मतलब नहीं है इसमें, ये तभी काम आएगा जब भी वो हॉस्पिटल का बड़ा बिल आता है, और तभी जब भी डर लगता है कि यार ये कैसे करेंगे, तभी दिस इज दी ओनली इन्वेस्टमेंट दैट इज गोइंग टू सेव यू, राइट। सो इसके लिए इन्वेस्ट इन इंश्योरेंस नॉट फॉर रिटर्न्स बट फॉर योर लाइफ। तो हमेशा से पहले तो काफी लोग इंश्योरेंस में इन्वेस्ट नहीं करते बिकॉज रूमर्स सुने हुए कि भाई क्लेम पास नहीं होते हैं, या फिर ये लोग जब भी टाइम आता है जब भी क्लेम के लिए हम लोग जाते हैं तो वो लोग सेटल नहीं करके देते, कुछ ना कुछ रीजन दे देते हैं, तो उसके लिए भी ऑप्शन है, आप वेबसाइट पे जाके वहाँ पे क्लेम सेटलमेंट रेशियो रहता है जो भी कंपनी का आपको इंश्योरेंस लेना है, ठीक है, तो मेडिक्लेम लेना है आपको जिसका, तो उसमें एक क्लेम सेटलमेंट रेशियो रहता है जिसमें आपको पता चलेगा कि कितने क्लेम्स आए थे और कितने वो लोग ने पास किए, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। देन हमेशा हम लोग पूछते कि यार क्या कवर होगा ये, अगर मैं मेडिक्लेम या फिर कोई भी एक इंश्योरेंस करवा रहा हूँ तो उसमें क्या कवर होगा, तो ये तो पूछना ही चाहिए, उसके साथ पूछना चाहिए कि क्या कवर नहीं होगा,
क्योंकि क्या कवर होगा वो तो आपको एजेंट बताने ही वाला है, बट क्या कवर नहीं होगा ये पूछोगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन सी चीजें कवर नहीं होगी, और वो अगर वो चीजों की आपको जरूरत है तो उसके लिए कोई राइडर या फिर कोई सोल्यूशन है जिस जो आपको एजेंट सजेस्ट कर सकता है। इफ वो नहीं हो सकता है कवर, कोई राइडर ऐड करके आप वो चीज कवर नहीं करवा सकते हो, देन वी कैन तो फिर आप कुछ अलग तरीके से वो चीज के लिए पैसा एक्युमुलेट करो, सो दैट अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आता है तो यू हैव मनी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। सो आस्किंग व्हाट इट वुड कवर इज necessary, but first you need to ask what it would not cover. So you will know कि क्या चीजें cover नहीं करेगी और आपको वो चीज की जरूरत है या नहीं है, right? Then investment में अगर आपने mediclaim का आपको basic structure पता रहेगा, मतलब एक base policy रहता है and उसके ऊपर एक top up ले सकते हो आप, right? जो base policy रहता है वो कुछ 3 लाख 5 लाख ऐसा कुछ cover करता है, and जो top up रहता है वो बड़ा amount cover करता है, कुछ 30 लाख 40 लाख क्रोर्स में भी काफी जो टॉप अप प्लान्स होते हैं वो कवर करते हैं। बट जो बेस पॉलिसी होता है ना उसका प्रीमियम कम होता है, आपको पता रहेगा तो, लाइक 20,000 सॉरी बेस पॉलिसी होता है उसका प्रीमियम ज्यादा होता है 20,000 30,000, एंड जो टॉप अप होता है उसका प्रीमियम कम होता है। तो ऐसा क्यों है, किसी को रीजन पता है? डज एनीवन नो? किसी का तो अनम्यूट है। डज एनीवन नो क्यों ऐसा होता है कि बेस पॉलिसी का प्रीमियम ज्यादा होता है जबकि वो अमाउंट छोटी कवर करता है, एंड जो टॉप अप प्लान्स होते हैं वो अमाउंट बड़ी कवर कर रहा है, सम अश्योर्ड बड़ा है उसका पर उसका प्रीमियम। श्वेता मैम, हाँ ओके, बायचंद्र सर इज सेइंग नोइंग वेयर नॉट टू इन्वेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, व्हाट यू सेड इज राइट, थैंक यू सर। किसी को पता है ऐसा क्यों होता है बेस पॉलिसी का प्रीमियम ज्यादा होता है एंड टॉप अप का कम होता है? रीजन बिहाइंड दैट, इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि जो 2 लाख 3 लाख 4 लाख का जो अमाउंट है उसका केसेस जो है वो ज्यादा आते हैं, ठीक है, तो इसके लिए उसका जो प्रीमियम है वो लोग ने ज्यादा रखा है, और जो सुपर टॉप अप जो ऊपर का प्लान है जो ज्यादा सम अश्योर्ड कवर करता है उसका प्रीमियम कम रखा है बिकॉज वैसे केसेस कम आते हैं। फॉर बट एज क्लाइंट एज हम लोग अगर सोचे तो हमको क्या करना चाहिए, जब भी वो छोटा अमाउंट है सपोज 3 लाख 4 लाख जो बेस पॉलिसी का अमाउंट है वो हम लोग एक बार अरेंज कर भी सकते हैं, एक बार अपने अपने फ्रेंड्स रिलेटिव अपन को हेल्प कर सकते हैं, बट वो जो सुपर टॉप अप है वो जो बड़ा सम अश्योर्ड वाला प्लान है वो क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी बड़ा बिल आता है लाइक 30 लाख 40 लाख गलती से अपन को कुछ सपोज बड़ा बीमारी होता है या कुछ भी बड़ा बिल आता है 30-40 लाख का, जब भी बड़ा सर्जरी का कुछ बिल आ गया क्रोर्स में भी जाता है कभी, तो तभी मे भी अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स कोई अपन को हेल्प ना भी कर सके। सो दैट इज one of the most important thing that we need to buy, मतलब वो plan में invest करना चाहिए because that is going to make sure कि आपका जो बड़ा bill है अगर इनकेस बड़ा bill आता है तो आप वो secure हो जाए, आपके friends relatives जहाँ पे शायद help ना कर पाए and फिर पैसा बचे तो आपको base policy लेना चाहिए, right? So first you need to buy super top up plan जिसका premium भी कम है 5,000-6,000 के अंदर रहता है, and then अगर पैसा है तो base policy लेना चाहिए। So that's it from my side. Thank you. And always remember, money is not your enemy or a goal. It's a tool. So manage it well so that aapka goals easily achieve ho jaye. And today we covered what mistakes we should not make while investing. We talked about FOMO. We talked about emotions, emotional investing. We talked about greed. We talked about diversification. हम लोग ने एक एक एवेन्यूज में भी म्यूचुअल फंड में क्या मिस्टेक नहीं करना चाहिए, शेयर्स में क्या मिस्टेक नहीं करना चाहिए, वो सब के बारे में बात की। सो थैंक यू सो मच यू एवरीवन, एंड कुछ भी अभी आपको क्वेश्चंस है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क अमोल सर, एंड आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस इट। थैंक यू सो मच। Charmi, I think there are no questions. So thank you, gentlemen, for your
sparing your time on a Sunday morning. And I hope Charmi could add some value to in your knowledge with regards to the investments, what not to do. And looking forward for the next Sunday for you to join with us. Thank you so much. Hello. Yeah. Also, अगर आपको लगा कि आपने कुछ भी नया मतलब कुछ नया information मिला, so please we are trying this के हम लोग every Sunday webinars रखे on financial awareness where we don't sell product, we make sure के जो भी knowledge आपका है वो increase हो. So we go live on Facebook. So if possible, please comment on it कि आपको कैसा लगा आज का webinar. I have send the link in the chat box. So please comment. So that ye word spread ho hamara. Thank you so much. That's it. Thank you. Thank you, sir.